हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं चंद्रकांत कोटेचा और आज आपके लिए लाया हूं राग मियां मल्हार, मियां की मल्हार। इस राग की एक स्वर मालिका है, ताल एक ताल, बारह मात्रा के एक ताल में है। मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, उसकी नोटेशन आपके सामने गा के बजा के आपको एक एक लाइन सिखाऊंगा। तो शुरू करने से पहले राग मियां मल्हार क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसका परिचय मैं थोड़ा आपको दे दूं। तो इसका एक दोहा है, पहले वो देख लेते हैं। सप वादी संवादी सो उतरत दैवत टा कोमल गा दो नी लिए गाय मियां मल्हार। सपवादी संवादी सो उतरत दैवत टार, यानी इस राग में वादी संवादी सा और प है। उतरत दैवत टा यानी अवरोह में दैवत ध नहीं है, आरोह में सारे स्वर हैं लेकिन अवरोह में ध नहीं है, इसलिए इसकी जाति हुई संपूर्ण साडव। इस राग में ग कोमल है और नी दोनों लगते हैं, शुद्ध नी और कोमल नी दोनों निषाद का इसमें प्रयोग होता है। ये चंचल प्रकृति का और श्रृंगार रस का राग है। इस राग का गाने बजाने का समय मध्य रात्रि है, लेकिन वर्षा ऋतु में इसको किसी भी समय गाया या बजाया जाता है। इसका आरोह अवरोह देख लेते हैं। पहला नी कोमल है, दूसरा नी शुद्ध है। नी द नी सा सा नी प म प ग म रे सा। इसकी पकड़ रे म रे परिचय। अब हम राग मियां मल्हार की एक ताल, बारह मात्रा के एक ताल में एक स्वर मालिका करेंगे। इस स्वर मालिका को पहले मैं एक ताल में 140 बीट्स पर मिनट की स्पीड में काली पांच यानी ए सात के स्वर में पहले बांसुरी पर बजाऊंगा, उसके बाद मैं स्वर गा के ताल के साथ आपको बताऊंगा और उसके बाद इसकी एक एक लाइन एक्सप्लेन करूंगा। तो शुरू करते हैं एक ताल बारह मात्रा में 140 बीपीएम की स्पीड में स्वर मालिका, पहले फ्लूट। Thank you.
के साथ स्वरों में गाते हैं। अब इसकी एक एक लाइन देखते हैं। रे सा रे सा, रे को तीन बीट तक एक्सटेंड करना है, सा को भी तीन मात्रा तक एक्सटेंड करना है। रे सा नी द नी सा नी ई द नी ई सा, तो नी के बाद जो ध है पहला नी वो कोमल नी है, और नी के बाद जो सा है वो दूसरा नी वो शुद्ध नी है। नी द नी सा, पहली लाइन रे सा नी द नी सा रे सा नी द नी सा। दूसरी लाइन रे रे पा पा रे डैश रे पा डैश पा रे रे पा पा ग म रे सा ग डैश म रे डैश सा रे रे पा पा ग म रे सा। ग इस राग में जहां भी आएगा कोमल ही आएगा और म के कण के साथ आएगा। ग ऐसा ग नहीं, ग ऐसा नहीं है। ग म रे सा रे रे पा पा ग म रे सा। फिर से पहली लाइन रे सा नी द नी सा रे सा नी द नी सा। अंतरा रे रे पा पा नी द नी पा, यहाँ पे अवरोहात्मक नी है तो दोनों नी कोमल है। रे रे पा पा नी द नी पा। शुद्ध है, पहला वाला जो नी है वो कोमल है। म प नी द नी नी सा सा म प नी द नी नी सा। अब ऊपर की नोट है तार सप्तक ग म रे सा नी नी।
सीधा नी सा आता है, नीचे सप्तक हो या ऊपर वाला सप्तक हो, तो पहला नी कोमल है, दूसरा नी शुद्ध है। नी द नी सा ग कोमल है, ग म रे सा नी द नी सा। अब नेक्स्ट लाइन नी प म प, यहाँ पे कोमल कोमल नी के साथ अवरोहात्मक है। नी प म प, म प नी प ग म रे सा। फिर से नी प म प, म प नी प ग म रे सा। जब हम इस लाइन को स्वर मालिका के साथ गाएं तो इस लाइन के बाद यही लाइन रिपीट करने के लिए क्लू नहीं है, तो इसी लाइन को एक ही बार गा के सीधा मुखड़े की पहली लाइन लेनी है। जैसे नी नी प म प, म प नी प ग म रे सा रे सा नी द नी सा। देखिए पिछली अंतर की दो लाइन की स्वर मालिका। आप इस स्वर मालिका के पहले थोड़ा सा इशराक का आलाप कर दीजिए और इसके बाद में थोड़ी 6 मात्रा की और थोड़ी 12 मात्रा की ताने जोड़ दीजिए तो बहुत बढ़िया सी प्रस्तुति तैयार हो जाती है। तानों वाला एक अलग से और आलाप वाला एक अलग से ट्यूटोरियल में देने वाला हूँ, आप देखते रहिएगा, आपको मिल जाएगा। तो ये स्वर मालिका बहुत बढ़िया है, वर्षा की ऋतु अभी चल ही रही है तो ये सीखने जैसी एक वर्षा ऋतु की में गाए जाने वाला राग मियां मल्हार की एक अच्छी सी स्वर मालिका है, आप इसे अवश्य तैयार कीजिएगा। कैसी लगी ये भी मुझे बताइएगा। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, आपको और भी अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स मिलते रहेंगे। इस स्वर मालिका की लिंक को भी आप अपने फ्रेंड्स में जो वोकल सीखते हैं, जो वायोलिन सीखते हैं, सितार सीखते हैं, सरोद सीखते हैं, उनको भी और फ्लूट सीखते हैं उनको भी आप फॉरवर्ड कर दीजिएगा, उन सबको भी सीखने को मिलेगा, सबको अच्छी लगेगी। मैं चंद्रकांत कोटेचा आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।